आज हम तीसरे पारे के बारे में बात कर रहे हैं और मैं जब ये पारा पढ़ पार रहा था आज तो दो आयात हैं जो मैंने ना शॉर्ट लिस्ट की थी जिनका ना मौजू सिमिलर है और काफ़ी वाज बात अल्लाह ताला यहाँ पे करता है और कुछ लोगों लोगों ने इस चीज़ के ऊपर एक शक डाला हुआ है लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर कट अल्लाह ताला तीरा ताला आलिमरान में कि दीन आन दिला कि अल्लाह ताला के यहाँ जो दीन मकबूल है वो इस्लाम ही है इसी तरह उसी सूरा में इसी पारे के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं वम यब तैयार इस्लामी दी फ़लं युकबलामिन व हुआ फिल आखिरतमिन के इस्लाम के अलावा जो है ना दीन कबूल नहीं किया जाएगा किसी से भी और जो भी इसके अलावा कोई नज़रिया कोई दीन कोई ले कर आएगा अल्लाह तला के यहाँ तो वह खासन में से होंगे यानि खसारा पाने वालों में से होंगे यानि उनकी उनको कामयाबी नहीं है उनको

अल्लाह तला को रहे हैं कि हमें हिदायत करें हमें हिदायत दे इस रास्ते की तरफ सरात मस्तीम की तरफ और उसके आगे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सरात मस्तकम के अलावा भी कुछ रास्ते हैं जो नाकामी की तरफ लेके जाते हैं जो अल्लाह तला के गज़ब की तरफ लेके जाते हैं जो मिस गाइडेंस की तरफ लेके जाते हैं तो ये बड़ा क्लियर है क़ुरान में कि अल्लाह तला के यहाँ जो है जो कामयाबी है वो इस दीन के अंदर है इस्लाम के अंदर है एंड जिसे कहते हैं ना एक्सक्लूसिविटी के सेल्वेशन एक्सक्लूसिवली लाइज विद इन इस्लाम और ये इस्लाम का दावा है बल्कि हम तो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर रखे और बाकी रास्तों से हमें बचा के रखे तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट uh, है कि इसको ना क्लियरली रिएटरेट कर दिया जाए बिल्कुल, बिल्कुल ये एक जनरल रूल तो है एंड कभी कभार हमारे स्टूडेंट्स uh, भी हमसे पूछते हैं कि कुछ नॉन मुस्लिम जो हैं uh, उनका क्या बनेगा जिन्होंने इस्लाम के बारे में सुना नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल तो वो एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती हैं लेकिन जनरल रूल तो यही है कि अल्लाह तला के हाँ दीन जो मकबूल है वो इस्लाम ही है और इसके अलावा कोई आ, रास्ता नहीं है जो अल्लाह तला की आखिरत में सेलवेशन की तरफ लेके जाता है तो ये ये मैंने कहा कि इससे हम शुरू करते हैं और ये मैं आयत जो और ये आइडिया शेयर करूँ आप लोगों के साथ और आ, मैं आपको बताऊँ कि एक मिसकनसैप्शन हमारी सोसाइटी में पाई जाती है बल्कि ये हमारे कुछ ना स्कूल्स में ऐसी बुक्स हैं उनमें पढ़ाया जाता है कि इस्लाम के बानी मोहम्मद रसूल सल्लम थे hmm. जबकि इस्लाम हैज़ देयर फ्रॉम डे वन बिल्कुल आदम अल इस्लाम भी इस्लाम लेकर आए लेकिन ये कि वो फिर बाद में डिस्टॉर्ट हो गई टीचिंग तो हम तो ये कहते हैं कि देखो मुसलमान वाहिद वो लोग हैं जो तमाम नबियों पे ईमान लात बिल्कुल एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलीजन रिलीजन मा मा कुंतु बी मिन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह तआला ने कि आप जो है इस बात को इकरार करें कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ बल्कि मुझसे पहले भी रसूल भेजे गए हैं आई एम नॉट ब्रिंगिंग इन समथिंग न्यू नहमद भाई ये आयत आले इमरान की आयत है तो थे थे सूरा में आ, लेकिन जो तीसरा पारा है आपको पता है कि वो जो है अख्तिताम होता उस पर सूरभ बकरा का अख्तितम होता है और सूर्य बकरा जैसे कि हमें पता है कि बहुत बड़ी सूरत है बहुत अहम सूरत है तो अगर आप उसके आखिरी आखिरी मौजुआत पे गौर करें तो उसमें पर्सनल लेवल पर भी और कम्यून लेवल पर भी अल्लाह तला ने दो चीज़ों का एक किस्म का कंट्रास्ट दिया एक अल्लाह ताला की राह में खर्च करना और दूसरा सूद का मामला तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और मजे की बात है कि ये जो आयत है आ, ये बिल्कुल आयतुल कुर्सी से पहले है जो कि हमें पता है कुरान मजीद का जो पिनकल है वो आयतुल कुर्सी है जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बहर आयतुल कुर्सी के बारे में बात नहीं कर रहा अल्लाह ताला फरमाते हैं आरदा शयतम अच्छा इस आयत को बताने से पहले अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना अगर मैं आपसे पूछूं आप मेरे से एग्री करेंगे दुनिया के अंदर कोई भी तजारती मामला हो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो पैसों का कोई भी मामला हो सही. तो उसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें तब होगी जब नंबर वन आइदर वी हैव एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके बारे में हमें, हमें श्योरिटी हो नंबर टू अगर आप के बिजनेस में आपके साथ ऐसे लोग शुमार हो जाएं जो कि बहुत ट्रस्टेड हैं, तो एड्स टू योर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और दूसरा अगर कोई आपकी सिफारिश भी लग जाए किसी बिजनेस में एक अच्छे तरीके से हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अयोलना आमानु ए वो लोग जो कि ईमान लाने का दावा करते हो अनफिको अल्लाह की राह में खर्च करो और इनफाक जैसे कि हमारे हमें बताते हैं इसमें महज सिर्फ माल को खर्च करना नहीं है क्योंकि कुरान मजीद में माल के इनफाक से भी अल्लाह ताला ने अलग से जिक्र किया यानी कि माल इसमें शामिल है मिम्मा रजकनाकुम उसमें से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया मिन कबल इससे पहले के तुम्हें एक ऐसे दिन में तुम आ जाओ दिस दिन ना कोई तजारत वाला उन वाला खुल्ला तुन ना कोई खुल्ला और मुफसरीन यहाँ पे बताते हैं कि खुल्ला से मुराद यहाँ पे बहुत गहरी दोस्ती है वाला शफा और ना कोई शफात काम आए वल काफिर ना हम तो यहाँ से हमें पता ये लगता है कि जो इनफ़ाक़ है ये कुरान मजीद का एक बहुत कंसिस्टेंट मौजू है और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है आ, एक कुछ स्कॉलर्स ने एक बहुत एक अच्छे जाविये से इसको एक्सप्लेन किया जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मैनर्स ऑफ स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह ताला हुँ। और वो भी कुरान मजीद की आयत तो से इन्हीं सूर्य तो 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 बकरा तो की आयत से हमें पता लगता है कुल तीन मैनर्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा नंबर वन इनफाक़ करने से पहले चैरिटी करने से पहले नीयत यह होनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला के लिए किया जाए जैसे कि सूर्य बकरा में अल्लाह फरमाते हैं मन्ना वाला

एक और आयत में सूर्य बकरा की अल्लाह फरमाते हैं और फिर इसी तरह जो तीसरा बल्कि इसके इमाम कसीर इस आयत के जमीन में एक हदीस भी लेके आए हैं कि अल्लाह के नबी सल फरमाया कि तीन लोग थ्री नाइदर स्पीक टू ऑन दॉ लुक Uh, या उनको सफाई भी नहीं करेंगे उनको तजकिया भी नहीं करेंगे प्योरीफाई भी नहीं करेंगे और उनसे एंड दे रिसीव अ पेनफुल टॉर्मेंट। उनमें से एक वो है जो कि जब वो लोगों को देता है तो फिर याद दहानी करवाता है नहीं। नहीं। और तीसरा मैनर जो कि अल्लाह ताला ने इनफाक का बताया वो ये है कि इट मस्ट बी लॉफुल एंड गुड की यादीना आनू अनफिको मन तयबाती माँ का सब तुम तो भी ये इन शह जब हम खर्च करें क्योंकि रमज़ान रमज़ान मुबारक खर्च करने का महीना है जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ तेज़ आंधी की तरह खर्च किया करते थे शुर। तो शुर। हमें इन मैनर्स का ख्याल रखना चाहिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाइयों के अल्लाह ने कहा कि उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया कम्युनिज्म कहती है पैसा गवर्नमेंट का है कैपिटलिज्म कहती है कि पैसा इंसान का खुद है आप देखें कि अल्लाह ने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दी कि तुम्हारा है ही नहीं है ही मेरा तो मैं ही बताऊंगा कि कैसे खर्च करना दिस इज़ माशाल्लाह। और खास तौर पे जो है ना हर चीज़ को अल्लाह ताला ने स्पेंडिंग को और इस तरीके से ना वाला वो है ना वाला तबसलफ़ा तक मलुमा महसूरा कि यानी ख़र्च भी उसके अंदर भी अतदाद ज़रूरी है यानी ये वाहिद्दीन है जो इस पर भी आपको आपको इतदाल इस लेवल का सिखाता है कि नेकी भी उतनी करो जितनी आप एक्चुअली उसको मेंटेन यानी बैलेंस उसका मेंटेन रख सकते हो आपने जो सदकात की बात की जिशान भाई मैं एक आयत पर रिफ़्लेक्शन कर रहा था बकरा की आयत नंबर टू सेवेंटी वन में बड़ी अल्लाह ने इनफ़ाक़ के बारे में जो है बात की और उसके बाद फिर अल्लाह ने जो आयात जो आखिरी आयत है वो बड़ी अहम है वहाँ पर अल्लाह ने कहा ये टू सेवेंटी वन आयात आयत पे जाके ही जो है इस मौजू का ख़ास तौर पर जो सदक़ात और इनफाक का जो है मौजू का अख्तितमाम होता है अल्लाह फ़रमाते हैं इन तुब इन तुदक़ात ही फ़िन इमा हीफ़ुरा फ़िर मिनल यानी अगर तुम सदक़ात को वाजे कर देते हो तो ठीक है तुम्हारी खैर उसमें भलाई है लेकिन अगर तुम उसको छुपाते हो और फ़ुरा को फिर भी देते हो वो तुम्हारी ज़्यादा बेहतर है और यूकफ़ फ़िर आयुन को मिन से ही आती है कि मैं अल्ल् तैयार तुम्हारे तुम्हारी गुनाहों को दूर कर देगा माफ कर देगा और अल्लाह ती खूब खबर रखने वाला जो तुम अमल करते हो इंसानी फितरत यहाँ में एक ह्यूमन साइकोलॉजी अल्लाह ताला ने जिक्र की और वो ये है कि जब भी इंसान कोई अच्छा काम करता है कोई अचीवमेंट होती है तो इंसान एक उसके अंदर एक नीड पैदा होती है रिकगनीशन की और अप्रिसशन की बेशुमार चीज़ों में आप देख लें मिसाल के तौर पर अगर इंसान कोई जिम जा रहा है और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है

और इसी वजह से शायद जिम के अंदर वो शीशे भी लगाए जाते हैं ताकि आप खुश भी देखें खुद के ख़ुद को देखे खुश हो सकें इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहता है मैंने देखा है जो माल खर्च करना ना इसमें इंसान बहुत ज़्यादा इंसान की ना नीड होती है रिकगनीशन और अप्रिसिएशन की आ, अजीब बात यह है अल्लाह क्योंकि ये इंसान को शायद जो इंसान को सबसे ज़्यादा करीबी चीज़ होती है ना उसकी इंसान को सबसे ज़्यादा जब वो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है इंसान का दिल होता है कि मुझे जो सकता है एक्मिशन मिले खासतौर पर इस सदक़ात के हवाले से अल्लाह ने इस चीज़ का थोड़ा बहुत लिहाज रखा है कि अगर कोई बंदा दूसरों के सामने भी सदक़ा कर दे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है बल्कि नीयत अगर उसकी खासतौर पर यह हो कि इससे दूसरे भी मोटिवेशन लेंगे तो कोई बात नहीं है उसको अप्रिसिएशन मिल जाती है कोई मसला नहीं है लेकिन बेहतर क्या है वो है कि छुपाए और इसको और इसकी छुपाने का ना ये देखें जितना ज़्यादा चैलेंज होता है ना जितना मुश्किल होता है उतनी बड़ी उसके लिए जरबी होता है तो मैं हैरान होता था कि जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सविल्ल हफी और मुलाजिल्लू सात लोगों को अल्लाह ताला सात किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अपने अर्श का साया नसीब फ़रमाएगा जब जिस दिन और कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के सया के अलावा उसमें से एक वो शख्स है रजुन तसद अकफ़ा

सोशल एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने सोशल एक्सपेरिमेंट क्या था कि ट्रेन पे जो लोग चढ़ने वाले थे सबवे से उन्हें कहा कि हम ना आपको टेन डॉलर्स दे रहे हैं लेकिन ये आपका नहीं है ये आपने रेंडमली किसी को देखना है शक्ल से उसे पहचानना है और उससे दे देना बड़ा हैरान हुए ये क्या बात है खैर उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर कई लोगों से जब उन्होंने अमल कराया और उनसे एंड में पूछा कि हाउ डू यू फील तो दे फेल्ट रियली गुड एक्साइटेड हैप्पी उनके इमोशंस बड़े ज़बरदस्त हो गए तो ये क्रैक्स इस बुक का ये कि पैसा देने से जो है वो खुशी भी आती है अलहमदुल्ल दो आयात हैं लेकिन दूसरी में इन जो सेकेंड आप राउंड लगाएंगे उसमें बताऊँगा दोनों आयात जो है मैंने इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि ये दोनों मसाइल हैं यूथ के आजकल हम इस इसमें अक्सर मुरा बात भी करते हैं आ, शहवात और शबुहात में तो शबुहत के हवाले से ये आया एक्चुअली इबन अबाला की भी फेवरेट आया है अकॉर्डिंग टू ए नरेशन एक सहाबी ने इबन इबाज़ तो पूछा कि आपकी फेवरेट आया कौन सी है तो उस साहब ज़्यादातर साहबा की वो है क्लिया इबादी अल अशरफ उलान फमला तकना तो महमतिल्ल लेकिन इबन अबाश ने कहा कि मेरी ये फेवरेट आया है वो साहबी बड़ा हैरान हुए कि इसमें तो क्या ऐसा मतलब है ये मौजू ऐसा कि आपका फेवरेट है उनका इसमें होप है होप फॉर दोज जिन्हें वसफ़ से आते हैं डाउट्स आते हैं तो आयत है आ, वर्स टू सिक्सटी वाइस कॉला इब्राहम उ रब्बी अरिनी कैफ़ा तुह मऊता कॉल विन कौला आयत की ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ एंड रिमेम्बर वेन इब्राहिम सेड माई लॉर्ड शो मी हाउ यू गिव लाइफ टू द डेड अल्लाह रिस्पॉन्डेड डू यू नॉट बिलीव इब्राहिम रिप्लाइड यस आई डू बट जस्ट सो माई हार्ट कैन बी रीशोड तो अलहदुल्ल देखें मैं एक स्कॉलर को भी सुन रहा था उन्होंने कहा कि इसमें होप है उन लोगों के लिए कि जिनको डाउट्स आ जाते हैं नॉट ऑल डाउट्स आर रॉन्ग सम डाउट्स ऑब्वियसली दे कैन यू नो टेक यू टू अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन स्पेशली अगर उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है और वो बस आप वो बनी इसराइल जैसे हर चीज़ पर डाउट उठा देते थे वो तो गलत इंटेंशन लेकिन अगर आप समझने के लिए ईमान बढ़ाने के लिए कुछ पूछ रहे हो तो मेरा ख्याल जो जिनसे पूछा जा रहा है उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए सबसे पहले उसने जान ही देना चाहिए कि यार ये समझना चाह रहे हैं और जो पूछने वाला है उसको भी मैं समझता हूँ होपफुल रहना चाहिए कि ईमान डाउन हो जाता है

इसी तरीके से जो हवारीियों ने जब ये सही तरह ईसा आली सलात वसलम से पूछा था तो वहाँ पर सही जन ईसा सलात वसलाम ने कहा कि तुम अल्लाह से डर हो तुम किस तरह का तकाजा कर तक हो तुम अल्लाह पर नहीं लाते हुँ। हुँ। दोनों ने जवाब ये दिया कि हम अपने दिल का इतमान चाहते हैं और दोनों को जवाब मिला अल्लाह की तरफ से इससे पता ये चला कि अल्लाह ताली से ऐसे एक्सपीरियंसिस का तकाजा करना जो कि अगेंस्ट द नेचुरल लॉज हैं ये पसंदीदा नहीं है लेकिन ये हराम भी नहीं है कहने का मतलब है कि कई दफा इंसान को अल्लाह की तरफ से रियश्योरेंस चाहिए होती है कुछ न कुछ लेवल बिल्कुल, पे बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं यकीन करें इंसान कोई भी रियश्योरेंस अली नहीं दे सकता मैंने देखा है बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं जे, जे। बड़े सिंपल डाउट्स होते हैं बड़ी मुश्किल हम बड़ा अच्छा उनको अपनी तरफ से जवाब भी देते हैं उससे पता ये चलता है कि मामला चूंकि दिल का होता है ना और दिल का इख्तियार सिर्फ अल्लाह शरा शरा सदर शराए के सदर अल्लाह के हाथ में होता है इसीलिए जब तक अल्लाह की मदद नहीं है अल्लाह की तरफ से इंशराह नहीं पहुंचेगा फायदा नहीं होगा तो इसीलिए मैं समझता हूँ भाइयों को देखिए अल्लाह के साथ और आपका ताल्लुक है ना वो एक पर्सनल ताल्लुक है आप अल्लाह के साथ जो मर्जी बातें करें आपका ताल्लुक है हम उसमें कोई इंटरवीन नहीं करता ये तकाजे अल्लाह से करने में एज लॉन्ग एज अगर मकसद जैसे उन्होंने कहा कि दीन पे शक नहीं है और इत्मीनान है

ये भी बहुत जबरदस्त। अच्छा इसमें में ना मरियम सलाम का भी जिक्र है जी। और कुरान में पहली दफ़ा जो है यहाँ पे मरियम है। तो मुझे याद है जब मैं ये वाला पारा हिफ़्स कर रहा था तो मुझे ये आयात बहुत यानी मुझे पसंद है ये आयात तौर पे जहाँ पे मरियम आलिम को फरिश्ते कहते हैं ना किफ़ा की वहराफ़ा की खूबसूरत आयात हैं कि और ये किसी इंसान के लिए इस तरह के नहीं कुरान में जिस तरह में आया कि फरिश्ते आगे कहते हैं कि अल्लाह तुम्हे चुन लिया है और तुम्हें पाक और पाकिजा कर दिया है और सारी जहान की जो औरतें हैं उनके ऊपर तो मैं चुना Allah गया यानी किसी नबी के लिए भी इन अल्फाज में इवन तो हमें पता है कि अंबिया जो है उनका रुतबा जो है वो गैर गैरुलम्बिया से बढ़ के है सही. लेकिन ये जो चॉइस ऑफ वर्ड्स जो मरियम के लिए आया ना ये बहुत ही खूबसूरत हैं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा यानी एक अफिलियशन थी इन इन आयात से और इसमें ना वाक़ भी है मरियम की वालदा का कि वो जब एक्सपेक्ट कर रही होती हैं औलाद एक्सपेक्ट कर रही होती हैं तो वो अल्लाह ताला से दुआ मांगती हैं कि मैं तेरी तरफ नज़र कर देती हूँ उस जो भी मेरे पेट के अंदर है यानी वो डेडिकेट करना चाह रही थी अपने चाइल्ड को फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड बनी इसराइल का उस ज़माने में ये एक कस्टम और ट्रेडिशन था कि वो अपने मेल चाइल्ड को डेडिकेट कर देते थे फॉर द सर्विस ऑफ द रिलीजन जिसमें वो कोई इमामत करते होंगे या आ, जो भी टेम्पल या मॉस्क या सनागॉग या उनका उसकी रखवाली वगैरह सब कुछ तो मरियम सलाम की जो वालदा है उन्होंने अपने अपनी औलाद के लिए ना ये ख्वाहिश की सही। लेकिन जब औलाद हुई तो वो लड़का नहीं थी लड़की थी और उनको हुआ कि ये तो ये तो लड़की पैदा होगी मैंने तो अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी तो वो शी वॉज एक्सपेक्टिंग ए मेल चाइल्ड और फिर लेकिन उन्होंने शी वेंट विद हर प्रामिस टू अल्लाह और उन्होंने मरियम आलम को ना डेडिकेट किया अल्लाह ताला की सर्विस में और फिर उन्होंने ये आ, उनका जब नाम रखा ना तो कहा इन्नी व सतु हुआ मरियम व इन्नी आईद हुआ बिका व्री था मना श तो ये ये जो आयत वगैरह पढ़ के ना मेरा बड़ा दिल था कि अगर अल्लाह ताला मुझे कभी बेटी देना तो मैं इसका नाम ना मरियम रखूँगा और क्योंकि ये ये जो अल्फाज है ना जो सूरह आले इमरान में आती है मरियम आलाम के लिए बहुत यानी प्रोफाउंड अल्फाज है और फिर उसके बाद मैं चाहता था कि मैं भी ये आयत पढ़ सकूं इन सम्मई टू हा मरियम कि मैंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा है और उसके लिए फिर दुआ है कि मैं अल्लाह ताला तेरी पनाह में इसको लेके आता हूं शैतान से तो इसके साथ ना ये मुझे काफ़ी एसोसिएशन थी इस आयत के साथ लेकिन कुछ इवेंट्स के बाद मेरी एसोसिएशन और ज़्यादा बढ़ गई इस और वो इस तरह हुआ कि दो में ना वी वर एक्सपेक्टिंग आर फर्स्ट बॉर्न न तो मुझे याद है कि मेरी वाइफ का ना वो था गायनाकोलॉजिस्ट के साथ ना अपॉइंटमेंट थी और ये वेंसडे का दिन है अच्छा हम अपॉइंटमेंट पे गए और आ, सब कुछ ठीक था एवरी थिंग परफेक्ट सब उन्होंने चेक वगैरह किया सब कुछ ठीक था अच्छा अपॉइंटमेंट से वापस आए ना तो रात को मैंने अपनी बेगम को बताया हुआ था मैंने कहा था कि तुम्हें नाम अगर पसंद होगा तो वो तुम शॉर्टलिस्ट कर लेना हमें पता था कि लड़की होगी तो आ, उसने कुछ नाम शॉर्ट किए हुए थे लेकिन मैंने उसको कहा यार मुझे ना ये नाम अच्छा लगता है मरियम तो हम मरीम नाम रखते हैं तो उसको मैंने आ, समझाने के लिए बताने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए ना मैंने ये कुरान खोला और मैंने ना ये आयत उसको दिखाई मैंने कहा ये आयत जो है ना ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है और ये किसी और ख़ातून के लिए किसी और नाम के लिए जो है ना आप ये दुआ कुरान में से नहीं पढ़ सकते तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का नाम ना मरियम हो तो शी ऑल्सो अग्रीड और हमने ना ये आयत पढ़ी दोनों ने वह इन्नी से तो हाँ मरियम जो है ना अच्छा उसके बाद क्या हुआ ये वन्सडे की आ, रात है थर्सडे की सुबह को आ, चंद घंटों बाद लेस दैन ट्वेल्व आवर्स थर्सडे की सुबह को वाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए जिसकी वजह से ना वी हैड टू रश टू इमरजेंसी एंड बेसिकली डॉक्टर ने मुझे कहा कि प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा तो हमें जो है ना सजेरियन करके बेबी को निकालना पड़ेगा नहीं तो जो है ना आपकी योर वाइफ मदर वोट सरवाइफ hmm. तो थर्सडे साढ़े बारह एक बजे करीब ना मेरी बेटी पैदा हुई मरियम हमने पहले ही सोचा हुआ था तो उसका नाम मरियम रखेंगे एंड वो कुछ प्री मचोलली पैदा हुई क्योंकि उसकी जो ड्यू डेट थी वो आगे थी काफ़ी लेकिन अल्लाह ताला का करना ये था कि अल्लाह ताला ने हमें बेटी पहले दे दी अच्छा शी रिमेंड अलाइव फॉर अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स और जुमे वाले दिन जुमे से जुमे की नमाज से कुछ देर पहले ना वो फौत हो गई तो अलहदुल्ला जब मुझे पता लगा ना कि वो फौत हुई तो मेरे अ, जो पहले अल्फाज थे ना वो अलहमदुल्ला था अल्लाह की तारीफ़ ही मैंने की और उसके बाद में हमने उसको जल्दी से प्रिपेयर किया वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट वग़ैरह बनवाया बनवाया हॉस्पिटल हौस, से और मेरे मेरा मेरी ख्वाहिश थी कि जुमे की नमाज़ के साथ साथ ना मैं इसका जनाजा भी पढ़ा लूँ तो अलहमदिल्ला वो टाइमिंग इस किस्म के थे कि हमने जुमे की नमाज़ भी हमें मिल गई और उस जुमे की नमाज़ के बाद ना मैंने पढ़ाया जनाजा उसका और फिर हमने उसको दफना दिया तो मेरी मुझे पहले ही आयात मुझे पसंद थी लेकिन अब मुझे और ज़्यादा पसंद आई ये आयात और, और ज़्यादा मेरी एक पर्सनल एसोसिएशन है इन आयात के साथ एंड मैंने फिर इसके ऊपर गौर किया अगर और ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ इसमें अल्लाह व तआला की इतनी मदद थी मेरे लिए ना और मैं इतना ग्रेटफुल हूँ अल्लाह ताला के साथ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजारा कि मैं आप देखता हूँ कि जो मैंने और मेरी बेगम ने चंद घंटे पहले दुआ मांगी थी ना अल्लाह ताला ने वो दुआ पूरी की क्योंकि देखिए मरियम आलम जो थी ना वो पाकिजा थी बिल्कुल उनको शैतान ने बिल्कुल छुआ नहीं और फिर दुआ के अंदर ना उनकी जरूरीत के लिए भी है उनकी औलाद में से कौन हुआ ईसा आलाम ईसा इस्लाम भी बिल्कुल प्योर पाक ईसा आई इस्लाम के आगे औलाद ही नहीं हुई किसी की सही। तो वो जो दुआ है मरियम इस्लाम की वालदा की वो अल्लाह वल्ला ने पूरी की मैं समझता हूँ अल्लाह तेरी और मेरी बेगम की भी दुआ पूरी की क्योंकि इस हो सकता है इस टाइम में इस तरह तो हो नहीं सकता है कोई को इतना प्योर सोल पैदा हो मरी आई इस्लाम की तरह लेकिन अल्लाह तला ने मुझे बेटी दी और उसकी आगे जाहिर औलाद नहीं है तो अल्लाह ताली ने मेरी पूरी दुआ कबूल की और इसमें ना बहुत ज़्यादा अहमदिल्ला इंसिडेंट्स ऐसे हैं इस वाक्य में ना हमारे साथ हुए जिससे मुझे बड़ी ज़्यादा है ना वो स्ट्रेंथ मिलती है यानी उसका जुमे के दिन उसका फ़ौत होना और मेरा उसका जनाजा पढ़ाना जुमे के बाद तो यानी हमारा जो दीन है ना इसमें जो हमारा बिलीफ है अल्लाह ताला की कदर में उससे इतनी स्ट्रेंथ मिली मुझे फिर मुझे याद है कि जब मुझे पता लगा वो फौत हुई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने और फिर उसमें एक रिवायत है रसूल वसन ने मैं हदीत में बताया कि अल्लाह सुन जब अपने किसी बंदे का के औलाद ले लेते हैं तो वो फरिश्तों से पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदे को किस हालत में पाया मैंने उसके जो है ना दिल का टुकड़ा ले लिया तुमने किस हालत में पाया Allah तो फरिश्ते कहते हैं कि हमने उसको तेरी तारीफ करते हुए अल्हमद कहते हुए पाया तो अल्लाह ताली कहते हैं कि मेरे इस बंदे के लिए ना जन्नत में एक घर बना उसका नाम रख तो रखबदल यानी हमारा दीन जो है इतना खूबसूरत है कि एडवर्सिटी में डिफिकल्टी में ट्रायल में भी इतनी सिल्वर लाइनिंग्स हैं इतनी ज़्यादा होप है तो मैं तो मेरी जो एसोसिएशन है अब इन आयात के साथ वो एक बहुत गहरी एसोसिएशन बन गई और कोई और कपल होता ना अहमद वो तो, तो इस्ट्रामा से ना निकलते सालों साल के औलाद फौत हो गई अल्लाह ने दी और फौत हो गई बट वट अ ब्यूटिफुल परस्पेक्टिव यू एंड योर वाइफ हैड कि आपने इस तरह से सोचा कि देखें हमने दुआ की थी और विन विन सिचुएशन है अल्लाह ने अगर ले भी लिया तो वो अल्लाह ने एक तो महफूज किया पाक किया उसे इन वो आई एम श्योर इनशा आपकी आपकी फैमिली के लिए वो निजात, निजात का बास भी डेफिनेटली असल में ये ना अ, मेरे लिए मैं ख़ुद जिस चीज़ पर हैरान था ना वो अपनी जो मेरी बेगम का रवैया था ना उस पर मैं ज्यादा शॉक एंड सरप्राइज था कि जिस तरह उसने इसको डील किया जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी हुई थी कि देखें एक औरत जो है ना वो बड़ा मुश्किल टाइम काटती है प्रेगनेंसी का और उसके बाद फिर सिजेरियन वगैरह हुआ वो जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो लेके वापस आई स्कार लेके वापस आई तकलीफ़ लेके वापस आई लेकिन औलाद लेके वापस नहीं आई और उसने तो देखी भी नहीं थी बेटी उसने तो वो बेचारी ऑपरेशन से निकली और वो अभी यू नो बिटवीन वो जो ग्रोगीनेस होती है और जो बेटी थी वो उसमें थी क्या कहते हैं वो नर्सरी में थी तो शी शीडेंट इवन सी द चाइल्ड लेकिन वापस वो जो है ना वो उसके असरात लेके आई ऑपरेशन के तो वो जो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी ना मैं एक दफ़ा पिक्चर्स देख रहा था पुरानी ना हमारी उस टाइम की आ, तो मैं देख रहा था कितनी जल्दी हमने रिकवर कर लिया था इस लॉस से मैंने भी और मेरी बेगन में तो ये मतलब अल्लाह की, की तरफ से और इसमें अहमद भाई जो इसमें इम्पोर्टेंट जो आपने जैसे आयत के हवाले से कहा ना तो इसमें खुतिन की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है इस लिहाज से कि ऐसे ही ना की जो नानी थी नहां। 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 उनकी दुआ ये थी कि मुझे ना बेटा दे और उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी दीन के हवाले से अल्लाह से एक्सपेक्टेशन ये थी बेटा होगा तो दीन का बहुत काम हो सकेगा अल्लाह ने उस पैराडाइम को चेंज किया और कहा कि वही से करूँ कल उत्साह यानी उन्होंने कहा कि अल्लाह ये तो बेटी आ गई है मैं दीन का कैसे कहा अल्लाह ने कहा तो पता ही नहीं है जो औरत से मैंने काम लेना है वो मर्द कर ही नहीं सकता सुफ्यान और इमाम जम अक्शरी जो है बड़े मशहूर जो है वो यहाँ पे बला जो बलागत और लैंग्वेज के जो स्कॉलर हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे औरत की जो है वो पता चलता है कि औरत की यानी अहमियत का पता चलता है कि अल्लाह ने कहा कि इससे जो है ना तो अंदाज़ा ये हुआ है कि औरत, औरतों को पता औरतों को ये पता चलना चाहिए कि जो अल्लाह ने काम उनके लिए मुख्त किए हैं वो इतने बड़े काम हैं कि उनको आप डी वैल्यू नहीं कर सकते अंडरमाइन नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर जस्ट बिकॉज के मर्द शायद वो कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे अच्छा मैं सूरह आल हर सूरत में कोई ना कोई दुआ होती है लेकिन इमरान में एक दुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो है तुझे रबना लातज़ क़लूबाना बायतना वहादमा कांतल वहाया नंबर भी बता ये आया नंबर एट है सुरह नंबर थ्री आया नंबर एट है अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए हमारा रवैया आम तौर पर वो ये होता है कि हम समझते हैं कि एक दफ़ा हिदायत आ गई तो फिर जाएगी नहीं अगर आप इब्राहिम के उस वाक़े पे गौर करें जब वो काबे की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो वो क्या दुआ कर रहे थे रब बना मुस्लिम ही नहीं लगते यानी कि हमें मुसलमान रखना ये कौन है इमाम तोहिद हैं अगर वो ये सोचते हैं तो फिर मेरे और आपका फ्रेम ऑफ माइंड अगर ये हो गया कि हमारा दिल पलट नहीं सकता बात हदय और फिर इसमें दूसरी अहम बात यह है द नीड एंड द नेसेसिटी ऑफ रह Hmm. रहमत मेरे और आपके लिए कितनी जरूरी है जैसे कि एक रवायत में भी अल्लाह के नबी जन्नत नहीं जा सकता इल्ला ये कि उसको की रहमत घेर ना आपके साथ भी ये मामला है तो आपने कहा हाँ बिल्कुल मेरे साथ वसल्लम द मोस्ट प्रोफाउंड थिंग है जिससे ये आयत एंड होती है वो है अल्लाह का नाम वहाब यानी कि मीनिंग इस आयत का यह है हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना इसके बाद कि आपने हिदायत दी और अपने पास से रहमत अता करें इन न का बेशक आप अलवहाब हैं यहाँ पे स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं कि अलवहाब का मीनिंग अगर मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊँ तो द बेस्टोर या द गिवर उर्दू में अता करने वाला आ, और शेख अब्दुल अब्दुलरजाक अलबदर अपनी किताब में इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि इसका मतलब है प्लेंटीफुल इन गिविंग थ्री थिंग्स इन गिविंग गिफ्ट्स इन गिविंग ब्लेसिंग्स एंड इन गिविंग बेनिफिट्स और वो कहते हैं कि अरबी में गिवर को असल में वाहिब कहते हैं यहाँ पे वहाब है यानी कि अरबी में ये मुबालगे का सिगा आल के वजन पे है इसका मतलब है गिवर इन अबंडेंस और उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह ने आखिर ये इंटेंसिव फॉर्म क्यों यहाँ पे इस्तेमाल की तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया क्योंकि अल्लाह अता करता है अबंडेंटली और कॉन्स्टेंटली नंबर वन नंबर टू अल्लाह ताला अता करता है इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स और नंबर थ्री

आयत आयातल रबा हैं जो कि सही कॉल के मुताबिक आखिरी आयात थी जो कि कुरान मजीद की नाजिल हुई और कुरान मजीद का अख्तित यानी जो तंजील में नज़ुल में सबसे आखिरी आयात थी सुबहानल्ला इसके अंदर ना अल्लाह ने एक बहुत एक यानी रबा के मामले को डील करने के लिए अल्लाह ने एक बड़ा डिफरेंट अंदाज़ अपनाया देखें हमारे यहाँ आमतौर पर जब भी रबा की बात होती है तो लोग ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग है इट् सेल्फ वो भी तो एक रबा की फॉर्म है मैंने कई दफ़ा मेरे खुद अपने क्योंकि मैं खुद अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ तो मैंने खुद एक्चुअली अपने एक टीचर को कहते हुए सुना कि यार ये तो वही है कि आप प्रॉफिट लेते हैं तो प्रॉफिट में क्या किया आपने कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट की पैसे इन्वेस्टमेंट की उस इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या मिला पैसा मिला यानी आपने पाँच हज़ार रुपये लगाए बिजनेस के अंदर और आपको दस हज़ार रुपये मिल गए आपको पैसे पे पैसा मिल रहा है ये तो वही वाली बात है ये तो वही वाली बात है और यहाँ पे रिबा क्या है आपने बैंक को पैसे दिए उसने इन्वेस्टमेंट की आपको रिटर्न मिला आपको भी मिल गया मतलब इसमें क्या डिफरेंट है सुबह यहूदियों ने भी यही इतराज़ किया था उन्होंने कहा वाहली कभी उन्होंने कहा कि ये भी तो रिबा की तरह है यानी ये, ये जो है प्रॉफिट अल्लाह ने यहाँ पे उनके आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दिया ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है अल्लाह ने कहा कि ये बात रिगार्डलेस के वो लगता है नहीं लगता कि अल्लाह ने बै को हलाल किया और हराम किया दैट्स इट ये बहस ही कोई नहीं है कि उसका लगता है नहीं लगता उसके बेनिफिट्स अल्लाह ने हलाल और हराम कर दी बात ख़त्म हो गई बिल्कुल सही दूसरी बात इसमें दूसरी चीज़ अल्लाह ने कहा कि जो बहुत सी और भी चीज़ें हैं एक और चीज़ जो फमन जा इसी आयत में फमन जा अहूमत ही फनफ जो पिछला चला गया वो चला गया अहमद भाई से मेरी एक दफ़ा बात हो रही थी मुझे याद है तो हम किसी ना प्रिंस ये कवानी लॉज और प्रोसीजर्स के हवाले से बात कर रहे थे तो अहमद भाई ने मुझे बताया कि हमेशा भी कानून के अंदर जो है ना रे, रे, रे वो रेट्रोस्पेक्टिव जो है ना लॉस की इम्प्लीमेंटेशन को पसंद नहीं किया जाता यानी कोई भी लॉ आपने लगाया और आपने कहा उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे होगा सारे मामला तो पसंद नहीं किया जाता बल्कि प्रोस्पेक्टिवली पसंद किया जाता है अप्लाई होता है तो कुरने मजीद का भी उसलूब ये था मैं आयत पढ़ रहा था तो मुझे आपकी वो बात याद आई कि फन तहा फल मजीद में जब भी मामला हुए इवन शादी के मामला में भी जो भी गलतियाँ हुई जैसे कि बच्चों के वाले से सुरह में भी अल्लाह ने जिक्र किया अल्लाह ने कहा जो पिछला हो गया उसको छोड़ दो आगे चलो जैसे अरबों के आना ये भी एक रिवायत थी ना कि वो अपने बाप की जो सेकंड वाइफ थर्ड कर लेते थे तो इनके बारे में अल्लाह ने कहा कि जो पहले हो गया उसको नज़रअंदाज करो कुरान मजीद में एक और चीज़ जो आखिरी चीज़ मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा इंशाल्लाह हमारी टाइम भी खत्म हो गया वो है कि अल्लाह ने जब दैन की बात की माली मामला आपस में अल्लाह ने कहा या इदात अदायन, तुम इला मुसम्मन तबू उसको लिखो ईमान वालों से कहा हमारे यहाँ ना आपस में रिलेटिव्स के यहाँ और आपस में जिनके साथ कोई ताल्लुक हो ना लिखने को ना अली भाई एक ना मुरवत के खिलाफ समझा जाता हुँ। हुँ। है और समझते हैं कि ये ये ट्रस्ट ट्रस्ट होने की ना ट्रस्ट होने की अलामत है मजी मैं लिखूँ मैं अल्लाह कहते हैं कि ईमान वाले हो तो लिखो हमें यहाँ पे बावत नहीं होना यहाँ पे हमें अल्लाह का हुक्म मानना है कि जब भी कोई माली लेन देन हो बेशक आपस आप में भाइयों का हो सुबह अल्लाह यही वो मसले हैं जो बाद में क्या करते हैं जाके भाइयों है। के दरमियान लड़ाई के तफर की बाजें मुझे अपना याद है कि हमारे उस्ताद शेख शेखनस मेरे इतने मामू मेरे यानी मैंट और जिनसे मैंने सीखा और हमारे कितने बड़े थे तो एक दफा वैसे ही मुझे बहुत पहले याद है मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए तो आप मुझे दे दें लोन के तौर पर कर्जे के तौर पर लगा ले लो बिस्मिल्ला कर्जे के तौर पे लेने के लिए तो उन्होंने ना एक वो निकाला एक पेज निकाला वो उन्होंने पहले से लिख के प्रिंट करके तैयार करके रखा हुआ <laughs> था उस पर लिखा हुआ था कि जी इतनी रकम वो सारा कुछ लिखा और नीचे दो गवाह मैंने कहा ये क्या है कहते बेटा मैंने कहा मामू ये तो कौन से पैसे कौन सा मैंने नहीं देना मैंने आपसे दो तीन दिन के लिए लिए मैं भी आपको दे दूं। कहते नहीं बेटा उन्होंने याद पढ़ी उन्होंने कहा बेटा ये मुरवत को नहीं हमने यहाँ पे देखना हमें अल्लाह के हुक्म को देखना है और उन्होंने कहा कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ मुझे तुम पे बहुत एतमाद है लेकिन हमारे रब का ये तकाजा हमसे सही है आपने बकायदा दो गवाह बनाए और जब तक दो गवाहों ने साइन नहीं कर दिया सब कुछ नहीं कर दिया आपने नहीं दिया आपने कहा ये अल्लाह का तकाजा है और हम उन्होंने बड़े इस बात के एहसास दिए कि हमें पैसों के मामलों में बहुत खड़ा होना चाहिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे इस दौर के अंदर अगर कोई बंदा पैसों के मामले में खरा ना मैं कहता हूं वो वली उल्ला उससे बड़ा कोई बंदा दीनदार नहीं है बड़े बड़े दीनदार लोगों के में। हक मार जाते हक मार जाते हैं। भाई ऐसे जिगरी यार तो ये लिख लें सारे भाई और बहन के जब भी पैसे का लेन देन हो किसी के साथ भी चाहे वो आपका करीबी से करीबी हो अगर तो वो पैसे का लेन है उसको लिखें उसके ऊपर बकायदा साइन करवाएं ताकि सनज रहे आजकल तो बहुत आसान है व्हाट्सएप ग्रुप भी अगर हम बना लें ईमेल कर दें उसमें सीसी रख लें दो गवाहान को अच्छा मैंने कहा था ना कि दो मसाइल हम अक्सर डिस्कस करते हैं एक शबुहत और दूसरा शहवात है उस हवाले से बड़ी मोटिवेशनल रिमाइंडर है अल्लाह की तरफ से चैप्टर थ्री वर्स फोर्टीनसी हब्बू शहवा मिना ना वलमुन

ट्रेजर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फाइन हॉर्सेज यानि सवारी कैटल एंड फर्टाइल लैंड यानि जायदाद वगैरह हैज़ बीन मेड अपीलिंग टू पीपल अच्छा यहाँ इंटरेस्टिंग बात इनकार नहीं है कि ये मना नहीं है लेकिन ऑब्सेशन इनके साथ जो है वो मना है एक्सट्रीम ऑफ एवरी थिंग इज़ बैड और फिर अल्लाह ने जो तरीका बताया है कि इसको तुम काउंटर किस फ़िलासफ़ी से कर सकते हो ज़ाल का मतौल हयात दुनिया ये सब जो है वर्ल्डली प्लेजर्स हैं ठीक है, है, है कर सकते हैं टेम्पररी है वर्ल्डली प्लेजर्स हैं बट वल्लाहु वल्लाहू हुस्नुल हुआ मैंने देखा है कि मैं जब भी टीनएजर्स को यूथ को ये बताता हूँ ना कि देखो

अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक्सपीरियंस है सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम आई वांटेड टू शेयर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सलूशन दिया अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता करे अस्सलाम वालेकुम